Dear students, we are going to discuss next outbreeding device, which is called as dichogamy. Already we have discussed first outbreeding device, unisexuality. In case of the unisexuality, male flowers and female flowers, they are developed on different plants, and those plants are called as dioecious plants. There are some plants where male and female flowers both are developed on the same plants, and those plants are called as monoecious plants. But in case of both conditions, the cross pollination is favored and self pollination is prevented. So development of dioecism is very important for the cross pollination. It's one of the device for the cross pollination. And next device is dichogamy. In case of the dichogamy, in this particular device, anthers and stigmas both matures at different types in a bisexual flower, so as to prevent the self pollination. यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देने की जरूरत है, वह है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब एंथर्स एंड स्टिग्मास बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम फ्लावर। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि एंथर्स और स्टिग्मास दोनों के दोनों सेम फ्लावर पे डेवलप होते हैं। इफ दे आर डेवलप्ड ऑन द सेम फ्लावर, देन द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर मोर। सो उसे प्रिवेंट करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट ने क्या स्ट्रेटेजी डेवलप की है कि एंथर्स और स्टिग्मास दोनों के दोनों डिफरेंट टाइम पीरियड पे डेवलप हो गए, दे विल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन केस ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, सो एज टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। What does it means? ऐसा होता है इसमें कि सबसे पहले एंड्रोशियम डेवलप हो गया, means anther and filament, which is also called as stamen, it's developed first in the bisexual flower. डेवलप हो गया, एंथर डेवलप हो गया, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, एंड आफ्टर रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन, आफ्टर सम टाइम्स, मे बी आफ्टर सम डेज, then the female flower will be developed, female reproductive organ will be developed, which is called as gynoecium. So it will be developed, means stigma, style and ovary will be developed. As the pollen grains of the same flower have already released, now those pollen grains are not available for deposition on the stigma of the same flower. So whichever pollen grains will be deposited, those will be of the different flower of different plant of same species, which will favor the cross pollination. So in this device, anthers and stigmas mature at different types in a bisexual flower, so as to prevent self pollination. And it can be further divided into two types. First is was protandry. अभी जो example मैंने आपको बताया है वो protandry का ही है. In this type, androecium matures earlier than the gynoecium. मतलब जो androecium है, male reproductive organ है, जिसे anther और filament, मतलब stamen कहते हैं, वो पहले मैच्योर होता है. इन केस ऑफ द प्रोटेंड्री वह पहले मैच्योर होता है और कई काफी लेट गाइनोशियम मैच्योर होता है. एग्जाम्पल दिया है द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. सो इन केस ऑफ डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर, द एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द गाइनोशियम. इन केस ऑफ प्रोटोगाइनी, इन दिस टाइप gynoecium matures earlier than the androecium. Protogyny. क्या होता है protogyny में?
कि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो रहा है, मींस स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मींस कार्पेल मैच्योर्स फर्स्ट इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड आफ्टर सम टाइम सम डेज द एंड्रोशियम विल मैच्योर. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जो एंड्रोशियम मैच्योर हो गया है, जो गाइनोशियम मैच्योर हो चुका है, उसके ऊपर दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर डिपॉजिट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आल्सो. एंड ये प्रोसेस जब चलते रहेगी, तब काफी समय बाद गाइनोशियम मैच्योर होगा, एंड्रोशियम मैच्योर होगा, नॉट द गाइनोशियम, एंड्रोशियम मैच्योर होगा, और उसका जो पोलन ग्रेन रहेगा एंड्रोशियम का, दैट विल बी रिलीज्ड एंड विल बी अवेलेबल फॉर द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. एग्जाम्पल दिया है ग्लोरियोसा. सो प्रोटोगाइनी में गाइनोशियम, प्रोटोगाइनी, ये गाइनी ध्यान में रखना है, प्रोटोगाइनी, इसमें गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है कंपेयर टू एंड्रोशियम. सो बोथ दीज डिवाइसेस, दैट इज प्रोटोगाइनी एंड प्रोटेंड्री, एंड्री ये वर्ड आया है एंड्रोशियम से. सो प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ये दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए प्लांट्स ने डेवलप किए हैं. नेक्स्ट जो डिवाइस है, इट इज कॉल्ड एज प्रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी इन विच पोलन ग्रेन्स ऑफ द अदर फ्लावर्स जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर. मीन्स इन दिस केस ऑल्सो द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बट वॉट काइंड ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म इज देयर, दैट इज वॉट, कि जो दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन है, सेम स्पीशीज सेम रहेगी बट प्लांट डिफरेंट रहेगा. तो दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन ये जो फर्स्ट प्लांट है उसके स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होगा, रैपिडली जर्मिनेट भी हो जाएगा, जर्मिनेट होने के बाद में फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, जायगोट भी डेवलप होगा, और खुद का जो पोलन ग्रेन रहेगा उसका, उसको चांस ही नहीं मिलेगा. सो पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर, जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद भी दोनों के गमिट्स मिक्सअप नहीं होंगे. मींस हम ऐसा कहेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन तो हो रहा है लेकिन दोनों के जीन्स मिक्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि खुद का पोलन ग्रेन, उसका स्वयं का पोलन ग्रेन उसके ऊपर डिपॉजिट तो हो रहा है लेकिन काफी लेट हो रहा है, और जर्मिनेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि पहले ही जर्मिनेशन हो चुका है. एंड दैट इज व्हाई व्हाट हैज हैपेंड, द क्रॉस पॉलिनेशन हैज बीन फेवर्ड. क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो गया है. एग्जाम्पल दिया है एप्पल प्लांट का, एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्राइवेंस, दैट काइंड ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज प्रीपोटेंसी, उसे कहते हैं प्रीपोटेंसी. नेक्स्ट जो डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोस्टाइली. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोमॉर्फी. हेटेरोस्टाइली को ही बोला जाए हेटेरोमॉर्फी, मतलब स्टाइल जो है उसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है. और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं. इन सम प्लांट्स लाइक प्राइम्यूला, प्रिमरोज, देर आर टू और थ्री फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन विच स्टिग्माज एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स, हेटेरोस्टाइली एंड हेटेरोएंथी. हेटेरोस्टाइली और हेटेरोएंथी, इसमें क्या होता है इस केस में, कि अगर हेटेरोस्टाइली है तो जो स्टाइल है उस वो अलग अलग लेवल पे फ्लावर के अंदर प्लेस्ड है. फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, बट एक तो जो स्टाइल है उसकी लेंथ बहुत लॉन्ग रहेगी, और जो स्टेमन है वो बहुत ही छोटे रहेंगे. मतलब जो कार्पेल है, कार्पेल का जो स्टाइल है
वो बहुत लॉन्ग है, स्टिग्मा बहुत ऊपर में प्लेस्ड है, अपर लेवल पे प्लेस्ड है, जिसके वजह से एंथर में से पोलन ग्रेन अगर रिलीज भी हो रहा है तो सेम स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट नहीं हो रहा है। दूसरी केस में हेटेरो एंथी, इस केस में क्या हो रहा है कि जो स्टेमन है ये स्टेमन बहुत लॉन्ग है, एंथर बहुत डिस्टेंटली प्लेस्ड है, इट्स क्वाइट डिस्टेंटली प्लेस्ड फ्रॉम द स्टिग्मा, स्टिग्मा से काफी दूर है, जिसके वजह से सेम पोलन ग्रेन इज अनेबल टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो इन केस ऑफ द प्रिमरोज देर आर टू और थ्री डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन विच स्टिग्माज एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। स्टिग्माज और जो एंथर्स है ये अलग अलग लेवल पे प्लेस्ड है, जिसके वजह से सेम पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर इज अनेबल टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंड दिस प्रिवेंट्स द पोलन्स फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट, जिसके वजह से जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसे पॉलिनेट नहीं कर पाते हैं, और इसी के वजह से क्रॉस पॉलिनेशन फेवर होता है। इन हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथर पॉलिनेट स्टिग्माज प्रोड्यूस्ड एट द सेम लेवल। जो हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स है, इन हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथर, दे पॉलिनेट स्टिग्माज प्रोड्यूस्ड एट द सेम लेवल, यानी सेम लेवल पे जो स्टिग्माज प्रेजेंट है उन स्टिग्माज के ऊपर ही पोलन ग्रेन डिपॉजिट होंगे इन केस ऑफ हेटेरोमॉर्फिक फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, इस केस में फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी अलग है, डिफरेंट है, तो एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन निकलेगा वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर डिपॉजिट होगा, प्रोवाइडेड दैट स्टिग्मा मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल, वो स्टिग्मा सेम लेवल पे प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉन्ट्राइवेंस है, डिवाइस है, इट्स कॉल्ड एज हर्कोगमी। हर्कोगमी में क्या हो रहा है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बट बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी सेम पोलन ग्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर इज अनेबल टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि एंथर और स्टिग्मा दोनों के बीच में एक टाइप का फिजिकल बैरियर है, एक टाइप का पार्टीशन है, वो पार्टीशन के वजह से, वो नेचुरल फिजिकल बैरियर के वजह से जो स्वयं का पोलन ग्रेन है उस फ्लावर का, दैट इज अनेबल टू गेट डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, हर्कोगमी इट्स अ मैकेनिकल डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन प्लांट्स नेचुरल फिजिकल बैरियर, क्या बोला है, नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन्स। टू सेक्स ऑर्गन्स कौन से है? स्टेमन एंड कार्पेल, टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ पोलन विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी जिसके वजह से सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है इट कैन नॉट मेक द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल दिया है कैलोट्रॉपिस। ये कैलोट्रॉपिस जो प्लांट है, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि हनुमान जी को जो फूल चढ़ाते हैं, जिसे हम रुई के फूल भी कहते हैं, कई जगह पे आपको इसका प्लांट दिखाई देगा। इसके फ्लावर को सावधानी से आप उसे तोड़ के फिर आप उसे अनफोल्ड करके देख सकते हैं, उसे खोल के देख सकते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें आपको पेंटेंगुलर स्टिग्मा प्रेजेंट है। इन केस ऑफ द कैलोट्रॉपिस पेंटेंगुलर स्टिग्मा, इट इज पोजिशनड अबव द लेवल ऑफ एंथर्स, एंथर्स के लेवल से ऊपर में प्रेजेंट है, जिसके वजह से पोलन ग्रेन्स आर अनेबल टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो
इन केस ऑफ द कैलोट्रॉपीज, जिसे रुई का फूल भी कहते हैं, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है इसे, पेंटेंगुलर स्टिग्मा इज पोजिशंड अबव द लेवल्स ऑफ द एंथर विच इज कॉल्ड एज पॉलिनिया. नेक्स्ट जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टरिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस प्लांट ने डेवलप किया है, जिसमें प्लांट ने इस टाइप का जेनेटिक मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसके वजह से खुद का उसका स्वयं का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर डिपॉजिट भी हो गया तो भी जर्मिनेट नहीं होगा. जेनेटिक मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप किया है दैट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड. मींस पोलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, बट इन दैट पर्टिकुलर स्टिग्मा अ काइंड ऑफ सब्सटेंस माइट बी प्रोड्यूस्ड विच इनहिबिट्स द जर्मिनेशन ऑफ सेम पोलन ग्रेन. इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब स्वयं का पोलन ग्रेन नहीं चलता, स्वयं का पोलन ग्रेन सुसंगत नहीं है, खुद का पोलन ग्रेन विसंगत है, उसे ही कहते हैं सेल्फ स्टरिलिटी. मींस सेल्फ पोलन ग्रेन इज नॉट परमिटेड फॉर जर्मिनेशन, एंड एट द सेम टाइम इफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा इट विल बी अलाउड टू जर्मिनेट. वो जर्मिनेट होगा लेकिन खुद का पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा. एग्जाम्पल दिया है टोबैको प्लांट एंड थिया प्लांट. तो ये जो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्राइवेंसेस है, डिवाइसेस है, ये प्लांट्स ने डेवलप किए हैं जिसके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, क्योंकि ये प्लांट के फायदे का है. क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज उनके पोलन ग्रेन्स, मेल गमिट्स, उनके फीमेल गमिट्स, एग सेल्स, ये फ्यूज होंगे. डिफरेंट प्लांट्स होने के वजह से, जेनेटिक वेरिएशन होने के वजह से देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स आफ्टर मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गमिट्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन, एंड इट्स हैविंग अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ एवोल्यूशन ऑल्सो. एवोल्यूशन में भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका, जिसकी वजह से न्यू वेराइटी डेवलप हो रही है. अगर ये नहीं होता तो हमें डिफरेंट वेराइटीज के मैंगोज, डिफरेंट वेराइटीज के फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, देन ऑरेंजेस एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स वी वोंट बी एबल टू सी, वो हमें नहीं मिलते. सो सेल्फ पॉलिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सम प्लांट्स, बट इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन इज फेवर्ड इन ऑर्डर टू डेवलप जेनेटिक मैकेनिज्म, टू डेवलप द जेनेटिक डाइवर्सिटी, टू डेवलप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स. आपके बुक में और एक पॉइंट दिया है, डू यू नो में, इन ऑल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द प्लांट्स आर हैंड पॉलिनेटेड टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन सिलेक्टेड वेराइटीज, एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस. तो जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं बोटेनिकल डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट कंपनीज, एग्रीकल्चरल कंपनीज आर देयर, दे डेवलप डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स. सो यहाँ पर जो ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं अलग अलग वेराइटीज को डेवलप करने के लिए, तो दे एक्चुअली यूज क्रॉस पॉलिनेशन. बट अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो दो अलग अलग वेराइटी इनके गमिट्स को मिक्स करना होगा. सो अगर एक वेराइटी का पोलन ग्रेन दूसरे वेराइटी के स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट अगर करना है तो वो अपने आप नहीं जाएगा. इस केस में क्या किया जाता है कि उसे हैंड पॉलिनेटेड किया जाता है. एक ब्रश से पोलन ग्रेन फ्रॉम वन वेराइटी इज एक्चुअली टेकन एंड इट्स
deposited on the stigma of different varieties, and then it's bagged and tagged. So example diya hai wheat and rice. Thank you very much, and if you have any doubt, kindly let me know.